नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको आप किस तरह से कोटक बैंक इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज इनेबल कर सकते हो आपके अकाउंट में, तो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इंटरनेट बैंकिंग सर्विस कोटक बैंक का आप कोटक 811 अकाउंट में भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा कोई भी अकाउंट आपने कोटक में खोला है उससे भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से एक्टिवेट करते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में टाइप कीजिए कोटक करके। कोटक टाइप करने के बाद यहाँ पे कोटक बैंक पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, kotakbank.com इस वेबसाइट पे क्लिक कीजिए। kotakbank.com वेबसाइट पे पहुँचते ही देख लीजिए यहाँ पे लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए। ये आपको इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पे लेके चला जाएगा कोटक बैंक का। तो हमको रजिस्टर करना है, मतलब एक्टिवेट करना है इंटरनेट बैंकिंग सर्विस अपने कोटक अकाउंट पे। तो हम पे ऑप्शन है रजिस्टर फॉर नेट बैंकिंग, तो इस पे क्लिक कीजिए। तो इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे ऑनलाइन नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपका CRN नंबर, जो कि कस्टमर आईडी नंबर आपका बैंक अकाउंट का है, वो यहाँ पे एंटर करना है। तो देख लीजिए आपका CRN नंबर आपके डेबिट कार्ड पे प्रिंटेड होगा, या फिर आपका पासबुक पे रेफर कर सकते हैं। अगर 811 का अकाउंट है तो 811 ऐप में लॉगिन हो जाइए, और वहाँ पे आपको लॉगिन पेज पे आपका CRN नंबर डिस्प्ले होगा, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो CRN नंबर आपका यहाँ पे एंटर कीजिए, यहाँ पे दर्ज कीजिए आपका CRN नंबर। CRN नंबर एंटर करके यहाँ पे ये कैप्चा शो कर रहा है, वो यहाँ पे नीचे एंटर कर दीजिए। ये एंटर करने के बाद एक्सेप्ट कीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस को और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट पेज आपको आंसर करना पड़ेगा मैंडेटरी क्वेश्चंस, इनमें से कोई भी दो क्वेश्चंस आपको आंसर करना पड़ेगा, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, मेडन नेम, मदर्स मेडन नेम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तीन कोई भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको इनमें से दो क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो इनमें से। तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर किया है, आंसर किया है, और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट पेज में हमको पासवर्ड जनरेट करने के लिए यहाँ पे मेथड्स आ जाएंगे बहुत सारे, तो इनमें से कोई भी मेथड्स आप यूज कर सकते हो पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपका। तो अगर आपका पास 811 का अकाउंट है और फिजिकल कार्ड नहीं है, तो वर्चुअल डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है तो डेबिट कार्ड से यूज करके आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से वेरीफाई कर सकते हो। फॉरेक्स कार्ड है तो फॉरेक्स कार्ड से फिजिकल पिन भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिजिकल पिन आपके रिक्वेस्ट पर रेस करने के बाद 8 वर्किंग डेज के अंदर आपकी फिजिकल डिलीवरी हो जाएगी, बाद में आप पासवर्ड ये पिन सेट कर सकते हो। बाद में जनरेट पासवर्ड करके आप वही पिन यूज करके आप ये कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये सभी डिटेल्स, आपके कार्ड डिटेल्स, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV और कार्ड पिन एंटर करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हो आपके अकाउंट के लिए। तो पासवर्ड सेट कीजिए आपके अकाउंट के लिए, 6 पासवर्ड होना चाहिए। एंटर फर्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ न्यू पासवर्ड, मतलब यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हो, यू नीड टू एंटर 6 कैरेक्टर्स ऑफ योर पासवर्ड। नेक्स्ट 6 डिजिट ऑफ पासवर्ड विल बी सेंड टू योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद बैंक, मतलब आपको 6 कैरेक्टर यहाँ पे एंटर कीजिए और बाकी के 6 कैरेक्टर आपके बैंक जनरेट करेगा और आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 कैरेक्टर आप असाइन कीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। पासवर्ड अभी सेट हो चुका है, तो आप अभी गो टू लॉगिन पेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अभी देख लीजिए आपको लॉगिन करना है, कॉम्बिनेशन पासवर्ड यू एंटर्ड एंड सिस्टम जनरेटर पासवर्ड डेट विल बी वन टाइम पासवर्ड, मतलब आपको आपका 6 कैरेक्टर्स जो आपने अभी सेट किया है उसके साथ और 6 कैरेक्टर्स जो भी आपको SMS द्वारा या ईमेल द्वारा प्राप्त हुआ है, वो उससे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन बटन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, CRN नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए आपका, और यहाँ पे नेट बैंकिंग पासवर्ड डाल दीजिए। तो आपको यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स जो आपने सेट किए हैं वो एंटर करना है, और 6 कैरेक्टर्स जो आपको SMS द्वारा प्राप्त हुआ वो एंटर करना है सभी साथ में, और सिक्योर लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए OTP चला गया है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो लॉगिन करने के लिए आपको OTP वो वन टाइम पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो वन टाइम पासवर्ड एंटर कीजिए। तो यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड एंटर करके सिक्योर लॉगिन बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको वेलकम टू महिंद्रा नेट बैंकिंग, महिंद्रा कोटक महिंद्रा नेट बैंकिंग करके वेलकम मैसेज आ गया है, और कौन कौन से टास्क आप कैरी कर सकते हो नेट बैंकिंग के मदद से यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए करंट पासवर्ड यहाँ आपको एंटर करने के लिए बता रहा है, करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड भी सेट करने के लिए बोल रहा है। करंट पासवर्ड एंटर कीजिए जो भी आपने एंटर किया था, मतलब जो आपने 6 डिजिट आपके हिसाब से एंटर किया था और SMS द्वारा आपको सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आया था, वो सभी कॉम्बाइन करके एंटर कीजिए आपका करंट पासवर्ड। और यहाँ पे करंट पासवर्ड एंटर करके
यहाँ पे नया पासवर्ड सेट कीजिए, जो भी आपको सेट करना है वो। तो यहाँ पे सेट कर कीजिए नया पासवर्ड और गो बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी सेट सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करना है आपको, और सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करना है सिक्योरिटी पर्पस के लिए होगा। ये आप सेट कीजिए कोई भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन और आंसर कीजिए। यहाँ पे मैंने अभी 4 क्वेश्चन आंसर किए हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर किया है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर करके सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे अभी आपको यूजर नेम सेट करने के लिए बोल रहा है, तो आपके हिसाब से चॉइस के हिसाब से आप यूजर नेम सेट कर सकते हैं, ताकि आप नेक्स्ट लॉग इन करते समय CRN के बजाय आप यूजर नेम यूज कर सको, जो कि आपको ईजी होगा लॉग इन करने के लिए। तो यहाँ पे यूजर नेम सेट कीजिए आपकी चॉइस के हिसाब से, और नेक्स्ट बटन पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। यूजर नेम अभी अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पे अभी मैं नेट बैंकिंग पे लॉगिन हो चुका हूँ। तो इस तरह से आप नेट बैंकिंग पे नेट बैंकिंग कोटक महिंद्रा बैंक का नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपका ओटक 811 अकाउंट है तो भी एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर कोई भी रेगुलर अकाउंट कोटक में है तो उसके लिए भी आप नेट बैंकिंग एक्टिवेट इसी तरह कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।